अभी ना और अरमान ने करवाई शादी के लिए पूजा। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दादी सा अरमान और रूही को मंदिर में रक्षा धागा लाने के लिए भेजती है। यह धागा हस्बैंड और वाइफ के हाथ में बांधा जाता है ताकि उनके रिश्ते पर कोई संकट ना आए। अरमान अपने साथ अभीरा को भी मंदिर ले जाता है और जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो पंडित जी अभीरा और अरमान की जोड़ी को देख कर उन्हें पति पत्नी समझ लेंगे, इसलिए वो एक धागा अरमान और दूसरा धागा अभीरा के हाथ में बांध देंगे। वो अभीरा को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। अरमान पंडित जी से रूही के लिए दूसरा धागा ले लेता है। वो तीनों जब घर लौटेंगे तो दादी साबिरा को पूजा घर से मेहंदी लाने को कहती है क्योंकि आज रूही और अरमान की मेहंदी की रस्म होने वाली है और हर बार की तरह अबिरा बिना गिरे कोई काम नहीं कर सकती। उसे ठोकर लगने के कारण वो प्याला हवा में उड़ जाएगा और सीधा अरमान के हाथों में चला जाएगा जिससे उसके हाथ में कुछ मेहंदी लग जाएगी और जब वो अबिरा को गिरने से बचाने के लिए जाएगा तो गलती से उसके हाथ से अबिरा को मेहंदी लग जाएगी। अबिरा जल्दी से जाकर अपने हाथ को तो धो लेगी लेकिन फिर भी मेहंदी का कलर उसके हाथ में रह जाएगा। यह सब कुछ किस्मत का इशारा है। अब आगे यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अरमान इस इशारे को समझेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।